आई थिंक मेरे लिए ये अपने आप में कोई जिसे कहते हैं ना कि जब आप कुछ चीज़ें नहीं सोचते और वो होनी होती है और वो हो जाती हैं, फतेह शिकस्त मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा किरदार है, एक फ़िल्म है जिस, और ऊपर से शाइस्ता खान का किरदार, क्योंकि मैंने भी शाइस्ता खान के बारे में हिस्ट्री में ही पढ़ा था और सुना था, लेकिन उससे ज़्यादा शिवाजी महाराज के बारे में भी सुना था। तो स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद मुझे लगा ये फिल्म मुझे करनी ही चाहिए, क्योंकि एक तो दिग्पाल के पास पूरी बाउंड स्क्रिप्ट रेडी थी, ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ आए और उन्होंने मुझे एक कहानी सुनाई कि मैं ऐसी फिल्म बनाने जा रहा हूँ। ऑब्वियसली वो उन्होंने मुझे सुनाई, लेकिन उन्होंने कहा कि ये पूरी स्क्रिप्ट रेडी है विद डायलॉग, स्क्रीन प्ले, बाउंड स्क्रिप्ट है, आप पढ़िए इसको। पढ़ने के बाद ना बोलने का तो कोई चांस ही नहीं था। पहली बात तो ये थी कि मैंने उनसे पूछा था कि मुझे मराठी बोलनी है क्या, तो उन्होंने मुझे यही कहा था कि इस किरदार में मराठी नहीं बोलनी है। ऐसा नहीं है कि मैं घबरा रहा था कि मराठी बोलनी पड़ेगी तो क्या होगा मेरा, क्योंकि मैं, मुझे लगता है कि मराठी सिनेमा में पिछले 7-8 सालों में बहुत अच्छा काम हुआ है, बहुत अच्छी फिल्में, और मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मतलब यू नो सचिन खेड़ेकर हों या किशोर कदम हों या मिस्टर महेश मांजरेकर हैं जिनके साथ मैं पहले भी काम कर चुका हूँ, ये दे आर लाइक जैसे क्या बोलते हैं, लेजेंड्स हैं मराठी सिनेमा के। तो इनका काम मैंने देखा है और इन्होंने जिस तरह की फिल्में बनाई हैं वो देखी हैं, तो मराठी फिल्म मैं ज़रूर करना चाहता, लेकिन जब मुझे लगा कि हाँ मुझे इस फिल्म में मराठी नहीं बोलनी है, तो मुझे लगा नहीं यार, दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी, फिल्म की स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है, मैं अपनी मराठी को और ब्रशअप करूँगा, और इसी बहाने शायद हो सकता है कि मराठी एक्ट जो फिल्म मेकर्स हैं वो कहीं ना कहीं मुझे प्लेस कर पाएँ। और मेरे लिए सबसे बड़ा चीज़ ये थी कि अपने आप को डिफरेंट तरीके से लोगों के सामने पेश करना, क्योंकि मुझे लोगों ने हमेशा ज़्यादातर पॉजिटिव रोल्स में देखा है, और नेगेटिव रोल मैं डेलिबरेटली करना चाहता था एज एन एक्टर, कि ऑडियंस को एक अपने आप में एक ब्रेक देना, वो भी देखें कि हाँ यार ये एक्टर ये भी कर सकता है। सो आई थिंक वो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, इसलिए मराठी नहीं बोलनी थी ये एक तरह से प्लस पॉइंट भी था। लेकिन हाँ, अगर मुझे इस फिल्म के बाद अगर कुछ ऐसी फिल्में ऑफर होती हैं जिस जो मराठी किरदार वाली हैं जिसमें मुझे मराठी बोलनी है, तो मैं एक्टर हूँ, मैं ये मानता हूँ कि एक्टर किसी भी भाषा में काम कर सकता है। थोड़ी तो तैयारी इस बात की थी क्योंकि लुक बहुत डिफरेंट था। फिर क्या होता है जब आप एक पीरियड फिल्म करते हैं तो उसका जो डायलॉग का स्टाइल है, जो स्पीच पैटर्न है, वो भी बहुत अलग होता है, वो हमारे जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं ऐसा नहीं होता है। तो वो एक एक्साइटमेंट था कि फिर से जो है थोड़ा सा स्टाइलाइज्ड एक्टिंग करेंगे, हाउ टू यूज़ योर कॉस्ट्यूम्स, आप इतने बड़े बड़े गाउन्स पहने हों उसको इस्तेमाल कैसे करना है, क्योंकि एक एक्टर का सिर्फ काम ये नहीं होता कि वो डायलॉग बोलता है, एक एक्टर ने जो कपड़े पहने हुए हैं वो उसमें कंफर्टेबल भी लगना चाहिए, स्क्रीन पे ये नहीं दिखना चाहिए कि अरे यार ये शाइस्ता खान जो है खुद ही कंफर्टेबल नहीं है उन कपड़ों में। सो मेरे लिए वो बहुत ज़रूरी था कि मैं कन्विंसिंग लगूँ उस रोल में।